नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। अक्सर आपने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। एक लाइफ का ऐसा फेस आता है जब लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करते हैं, बहुत ऐसे अनकंफर्ट सी हो जाती है लाइफ। आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ, बेशक आप किसी भी लाइफ में हो, बेशक आप किसी भी स्टेज पे हैं अपने लाइफ के, बेशक वो आपको कैरियर स्टेबिलिटी चाहिए या आपको एक पर्टिकुलरली जॉब चाहिए, बट कई बार कुछ ऐसे से लाइफ में ऐसे से फेसेस आ जाते हैं जब आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई आपका फ्रेंड भी नहीं होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आए जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करवा रहे हैं। इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा मतलब बाहर उमड़ना चाहते हैं। आज उसी टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और रैंडम टॉपिक्स हैं। लास्ट एपिसोड में हमें बहुत प्यार मिला जिसके बाद हमने सोचा कि हम इसके एक सीरीज ही शुरू कर देते हैं जिसमें हम रैंडम टॉपिक्स पर बात करेंगे। और रैंडम टॉपिक्स के साथ साथ रैंडम जो एक कह लो एक चीज़ जो होती है ना लाइफ की, बेशक वो वीकनेस को रिमूव करना हो, बेशक वो लोनलीनेस को दूर करना हो, बेशक वो सुसाइडल थॉट्स को रिमूव करना हो, उस चीज़ों के ऊपर आज हम एक सीरीज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आईपी सिंह सर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल आइकन अवार्ड विनर भी उनको बनाया गया। आई थिंक इंटरनेशनली तो उनको बनाया गया, बट जितने हमारी ऑडियंस है ना वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब खुश है कि सर यहाँ पे बैठ के एक मतलब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है इनके साथ कनेक्ट कर रही है, इनके साथ एंगेज हो रही है, क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका उनको सोल्यूशन बहुत ईजिली मिले। आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। सर, जैसा मैंने कहा कि अक्सर लाइफ में बहुत ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं जब इंसान अपने आप को बहुत कमजोर फील करता है, इंसान सोचता है कि उसके साथ कोई नहीं है तो हो सकता है उसको अपनी लाइफ खत्म कर देनी चाहिए। सबसे पहले चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी को अपनी वीकनेस दूर करनी है, अपने लाइफ के मतलब ऐसे ऐसे स्टेजेस को दूर करना है, तो उनके लिए न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या नंबर्स होंगे उस चीज के लिए? देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि वीकनेस तब होती है जब आप उसको फील करते हो। सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे आप नेगेटिव हो गए या आपने अपने आप को वीक फील कर लिया कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तब आप अपने आप में वीक हो जाते हो। तो वीकनेस उसको कहा जाता है जहाँ पे आपने ये मान लिया कि मेरे से नहीं होगा, आपने ठाना नहीं, तो जो मान लोगे तो आपको वीक हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, ऑलवेज ज़िंदगी में कैसा भी समय आए, कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं फील करना या वीक फील नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आपको वीकनेस कोई फील हो रही है तो बहुत ही बढ़िया हमारे पास एक नंबर है, आप इसको यूज़ करो, आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट ऐसे जैसे मैंने चुटकियाँ मारा है ऐसे आपको रिजल्ट आएंगे। तो ये नंबर आप इसको ज़रूर लिख लो और इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिखोगे ब्लू पेन से और इसको चैंटिंग करोगे। वो नंबर क्या है? रिमूव वीकनेस के लिए है 2488021। ये नंबर आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखोगे और इसके साथ आप इसकी चैंटिंग करोगे। कैसी भी वीकनेस आपको बॉडी के अंदर लग रही है, आपको कैसा भी अजीब फील हो रहा है, तो इसको आप यूज़ करोगे तो आपको वीकनेस आपकी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। या जितना ज़्यादा आप इसको चैट करोगे, मतलब मैं आपको ये बताऊँ कहाँ कहीं जगह पे मेरे को इसके रिज़ल्ट 2 घंटे में मिले, 1 दिन में मिले, 2 दिन में मिले, और आपको बहुत फास्ट इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे भी वीकनेस आपको फील हो वो आपकी वीकनेस को ये रिमूव कर देगा। लेकिन आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, हर जगह हर तरफ आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतने ही सदा आप आगे बढ़ते रहोगे। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। इसके साथ ही लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब खुद के लिए एफर्ट्स डालते नहीं। आपने देखा होगा आजकल ना लोग मतलब दूसरे के लिए हर चीज़ कर देते हैं। बेशक आपके जेब में अगर 500 रुपये है तो वो 500 में से 499 सब पे मतलब लगा देंगे। 1 रुपया खुद के ऊपर लगाने के लिए बना 10 बार सोचेंगे कि यार हम खुद एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरों को खुश रखने के लिए उनके पास हर चीज़ है। दूसरों को प्यार करने के लिए वो अपनी मतलब अपने अंदर कहते हैं ना एक सेल्फ लव, उसको भी मार देते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए जाना
चाहूंगी, अक्सर ये चीजें हमें ना रिलेशनशिप्स में देखने को मिलते हैं, जो बच्चे रिलेशनशिप्स में होते हैं वो सेल्फ लव करना भूल जाते हैं, वो दूसरा जो है हमारा ओपोनेंट है उसको इतना प्यार दे देते हैं, इतना केयर दे देते हैं, इतनी तवज्जो दे देते हैं कि कल को वही इंसान आपको इतना हर्ट कर जाता है। तो बात की जाए सेल्फ लव की, कई लोगों को पता ही नहीं कि सेल्फ लव होता क्या है। तो मैं जानना चाहूंगी कि सेल्फ लव जो लोग चाहते हैं कि वो खुद से प्यार करें, वो खुद के तरीके से प्यार करें, उनके लिए न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है और क्या नंबर्स दे सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा आपने सेल्फ लव के ऊपर। देखो सेल्फ लव क्या है, अपने आप से प्यार करना। मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की दुनिया के अंदर इतनी भागदौड़ के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो भागते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, हम उसके लिए ये कर लें, उसको ये लेके दे दें, उसकी हायर स्टडी करा दें, उसको अच्छी एजुकेशन दें, उसको अच्छे से अच्छा इलाज कराएं, उसको हर चीज़ दें, उसको दें, इसको दें, उसको दें, इसको दें, अपनी फैमिली के लिए भाग दौड़। सबसे ज़्यादा मदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ को लेकर बड़ी रहती हैं कि कोई बात नहीं मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरी कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी तो जितनी है बीत गई, जो मेरा होना है वो हो गया, अब मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरे इसको मिल जाए, मेरे उसको मिल जाए। फादर ये कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरे उसको मिल जाए, मेरे इसको मिल जाए। मैंने यहाँ तक देखा है कि फादर को एक पैंट शर्ट एक साल तक वो वही घिसाता रहता है और अपने बच्चों को एक साल में 12 पैंट शर्ट जरूर लेके देता है, ड्रेसेस लेके देता है। तो सेम होता है कि मदर कहती है कोई बात नहीं मैं एक रोटी कम खा लूँगी, मेरा बेटा 2 खा रहा है, 2.5 खा रहा है, 3 खा रहा है, उसको खिला देता हूँ, उसको सब्जी ज़्यादा दे देती हूँ, उसको ये। देखो ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं कभी डिनाई नहीं करता, मैं खुद पेरेंट हूँ तो ये चीज़ें मैं ज़रूर कहता हूँ कि करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप भी तो उसी ज़िंदगी में जी रहे हो ना, आप भी तो वहीं पे रह रहे हो ना, आपको भी तो सारी चीज़ें चाहिए, अपने आप से प्यार ज़रूर करना चाहिए। मैंने देखा है लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं दूसरे के लिए, देना मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल के अंदर सबसे स्क्रीन सेवर जो लगाओ अपनी पिक लगाओ, बढ़िया, सबसे पहले आप जब उसको ऑन करो आप खुद वहाँ पे दिखना चाहिए, अपने आप से प्यार करो, अपनी फोटोग्राफ लगाओ, अपना स्टेटस पे अपनी लगाओ, खूबसूरत लगाओ, स्क्रीन सेवर अपना लगाओ, अपने रूम में अच्छी फोटो लगाओ, अपने आप से प्यार करो। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, सबसे बढ़िया। ये भी आपकी वीकनेस का कारण होता है जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते। तो सेल्फ लव अपने ऊपर काम ज़रूर करना है, लेकिन मैं आपको एक नंबर ज़रूर दूंगा जिससे आपकी टेंडेंसी वैसी हो जाएगी, आपकी थॉट्स वैसी हो जाएंगी कि आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे। तो वो नंबर ज़रूर लिखना, सभी जन लिखना, छोटा है या कोई बच्चा बड़ा है, जिस मर्जी एज का पर्सन है, अपने आप से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, अपने आप से प्यार ज़रूर करना चाहिए। तो वो नंबर बहुत खूबसूरत है, उसको आप लिख लो और उसको चैंटिंग करना और आपको उसको लिखना है। सेल्फ लव के लिए है 4028375822। अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर इसको लिखना है और इसकी चैंटिंग करनी है। जितना आप अपने आप से प्यार करोगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, जीने की चाह आपके अंदर पैदा होगी, इन्जॉयमेंट की चाह अपने अंदर पैदा होगी, ये आपके अंदर जीने की चाह, इन्जॉयमेंट की चाह, ये सब ये नंबर पैदा कर देगा, अपने आप को प्यार करना आपको सिखा देगा और आप देखोगे ये चीज़ आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मैं करूं भगवान करूं ना ही पड़े आपको, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाए कि आप सुकून की ज़िंदगी जियो और आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दो,
बस ये मैं आपको एक दुआ दूंगा कि आप ये शुरू करो। डेफिनेटली सर, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, बट अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए ही कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो आई थिंक कोई और भी क्यों डालेगा। परफेक्ट। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने लिए प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद को ही आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपसे मतलब हाई लेवल पे प्यार करे, हाई लेवल आपको प्रायोरिटी दे। तो आई थिंक प्रायोरिटी खुद को बनाइए दूसरे को बनाने से पहले। और इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिप्रेशन। आई नो कि अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन होता है ना 20 से बिटवीन हमारा कैरियर वाला 20 to 30 वाला, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। उसमें हमें पता नहीं रहता, हमारे साथ बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण हमें ना डिप्रेशन भी हो जाता है कई बार। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है कि किसी के कहने से नहीं होता। अगर आप माइंड में वो चीज़ें क्लिक करते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे, बार बार उस चीज़ के बारे में थॉट्स लेकर आते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप एक जोन में चले जाते हैं। वो जोन आउट होना जाना जैसे कहते हैं ना, उसको ही दूसरा नाम दिया गया है डिप्रेशन का। सो सर, आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं आजकल। मतलब बड़ों की तो बात छोड़ ही दीजिए, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं अभी। बेशक वो स्टडी को लेकर हो, बेशक वो रिलेशनशिप को लेकर हो, बेशक वो उनके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि पैसा आना नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, इतनी इतनी हमने डिग्रीज पे पैसा लगा दिया है, बट स्टिल हमें आगे से कुछ आउटपुट नहीं दिख रही है, हमें सिर्फ एक दिख रहा है तो ब्लैंक पेपर। तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे इस टाइम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन उनके ऊपर हावी हो रहा है, उनके लिए नंबर्स कौन से होंगे? बड़ा अच्छा आज मैडम ने ना टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे कनेक्टेड टॉपिक लिए, और इसके लिए हमारे को बहुत से कॉल्स भी आए, बहुत से मैसेज भी आए कि इन चीज़ों को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं कनेक्टिविटी के अंदर अगर बात करूं, रिलेट करूं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि आप जब भी अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, वीक फील कर रहे हो, तो नेचुरल है डिप्रेशन भी आप इन्वाइट कर रहे हो। आप सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकर होते हो, तो डिप्रेशन को आप इनवाइट करते हो। डिप्रेशन आपका जैसा भी हो, मैं नंबर ज़रूर आपको दे दूंगा, वो आपकी डिप्रेशन को दूर कर देगा, भगा देगा, आने नहीं देगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं साथ में ज़रूर करूंगा कि ओवर थिंकर होना बहुत गलत है और डीप थिंकर होना उससे भी गलत है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, उतनी ही आपको प्रॉब्लम आएगी। और डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, अभी तो ये लाइफस्टाइल का हिस्सा हो रहा है, बाद में ये ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी डिसीजेस को इनवाइट करता है कि उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। सारी ज़िंदगी आप दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो डिप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया नंबर मैं आपको बताऊंगा, इसको करना ज़रूर, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुकून वाली हो जाएगी, वेरी मच कम्फर्टेबल हो जाएगी। आप इसको नोट करो, डिप्रेशन के लिए जो नंबर है 1 1 9 6 8 8 8 3 times 8 है यहाँ पे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 1 9 6 8 8 8। कैसा भी डिप्रेशन हो, कैसी भी आपके माइंड के अंदर प्रॉब्लम चल रही हो, कैसा भी ओवर थिंकर हो, डीप थिंकर हो, आप इसकी चैंटिंग कर देना, और चैंटिंग करते करते माइंड में अंदर ले लेके जाना कि मेरा डिप्रेशन जो है वो रिमूव हो गया है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। तो आपने इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर ही सोचना है, तो आपका डिप्रेशन बिल्कुल बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई वहीं पे रहेगी, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकर नहीं होना, भगवान हमेशा बहुत अच्छा करेंगे, यूनिवर्स अच्छा करेगी। आप इसको यूज करो, आपका डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। डेफिनेटली सर, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन से निकलना बहुत जरूरी है, डिप्रेशन के लिए से निकलने के लिए सर ने आपको एक रेमेडी भी दे दिया, आपको एक नंबर भी बता दिया, बस आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। अब जितना जल्दी उस चीज को फॉलो करेंगे, आई थिंक डेफिनेटली आपको उस चीज का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं एक चीज ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाएं, तो आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरा मतलब है डॉक्टर आईपी सिंह सर, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे भी और आपकी कंसल्टेंसी भी करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की कंसल्टेशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो कंसल्ट भी करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो चीज़ें हैं ना वो आपकी बेसिक लाइफ से आपको जोड़ती हैं। अगर आपको बेसिक लाइफ में बहुत दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ से तो सोल्यूशन देंगे ही सर, और ट्राई करेंगे कि जो आपको फ्यूचर है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो भी ब्राइट हो जाए, वो भी एक शाइनी तरीके से, जैसे एक स्टार चमकता है वैसे ही आपकी जो फ्यूचर है उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं
है, जो चीज आपको डल कर रही है वो चीज आपकी डल से कट होकर एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर्स पे कॉल करने के बाद आप अगर फोनिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आप वीडियो कॉल के थ्रू भी सर से बात करना चाहते हैं, आप नहीं घर से बाहर आ सकते तो आप वो चीज कर सकते हैं। और डेफिनेटली सर के ऑफिस में तो आप विजिट कर ही सकते हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है तो उसके लिए आपको द ओनली वे इज आपको कॉल करना है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक हमने दिया हुआ है जिसमें सर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने डिस्प्ले किया हुआ है, उसमें आप उन पे मतलब बेल आइकन है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी सर की उसको आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं, आप उस चीज से अवेयर ही नहीं थे, बट सर ने उस चीज को रिसर्च करके आपके सामने रख दिया हुआ है और एक अलग शेप के साथ। सो इसके साथ ही सर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो वो आता है पास्ट। आपने देखा है कि सबका एक पास्ट होता है, अब मैं यहाँ बैठी हूँ या आप यहाँ बैठे हैं, सबका एक ना एक पास्ट रहता है, सबकी एक पेनफुल मेमोरी रहती है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। वो स्टेज ऐसा होता है कि आप उस पास्ट में स्टक हो जाते हैं, आपको नहीं पता लगता कि आपका जो ये मतलब ये समा चल रहा है ये कितना बुरा है आपके लिए। आपको उस टाइम पे आप कह लो एक ब्लाइंड फोल्डेड हम हो जाते हैं, हमें नहीं दिखता हमारे आंखों के सामने इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, बट स्टिल हम समझ ही नहीं पाते कि हम इस अगर पास्ट से नहीं निकले तो हो सकता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएँ। अभी भी हमारे ना ऐसे बच्चे कुछ हैं जो इस चीजों में बहुत स्टक पड़े हैं, जो चाहते हैं इस चीज से बाहर आना बट निकल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको पहले अपनी पेनफुल मेमोरीज को अपनी लाइफ से मतलब गेट आउट करना पड़ेगा। Perfect. तो उस चीज को गेट आउट करने के लिए हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन बच्चों को इस चीज से रिलीफ दे सकते हैं? देखो सबसे पहली चीज ना मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइफ के अंदर मेमोरीज जैसे मैडम ने बोला सबके साथ हैं, कोई ना कोई किसी की बात किसी को हर्ट करी हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी के मन के अंदर बढ़ गई है, दिक्कत बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल दूंगा फिर आपको नंबर बताऊंगा। जैसे आपके यहाँ पे अगर कोई चोट लगी, आपके यहाँ पे ये जख्म हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस जख्म को हील करोगे Definitely. या इस जख्म को आप वैसे ही रहने दोगे? बिल्कुल हील करेंगे, हील करोगे। जब आप इस जख्म को अगर ऐसे ही रहने दोगे तो वो कच्चा रहेगा, जब उसके बाद किसी का हाथ लगेगा ओह वो बहुत पेन हो रही है क्योंकि आपने उसको हील नहीं करा। जब आप इसको हील कर दोगे, इसकी मलम पट्टी कर दोगे, इस पर नई स्किन आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, तब आप इस पर हाथ भी मारोगे आपको पेन नहीं होगा क्योंकि आपने हील करा उसको। सबसे पहली चीज़ वो जो मेमोरीज है उसको हील करना, उस जख्म को हरा नहीं रखना। तो उसको हील कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप वो नंबर को चैंटिंग करना और आपकी जो बैक नेगेटिव मेमोरीज है वो आपकी हील हो जाएंगी या वो रिमूव हो जाएंगी। बहुत बढ़िया नंबर है, आप उसको चैंट करो और उसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप लिख के रख सकते हो। वो नंबर है 2 5 3 7 5 3 6। मैं आपको दोबारा फिर ये नंबर बोलता हूँ, 2 5 3 7 5 3 6। आपकी जैसी भी कोई पेनफुल मेमोरीज है, आपका कोई भी बैक है जो पेनफुल है, आपको कोई दिल पे चोट लग चुकी है या वो हील नहीं हो रही, आप उसको भुला नहीं पा रहे, आप इसकी चैंटिंग शुरू कर दो, आपको विद इन ए वीक आपको 10 दिन में इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, आपका माइंड आपका थॉट उन चीज़ों से बिल्कुल हट जाएगा। वो बोलेगा छोड़ो जो हो गया हो गया। आप ये वर्ड खुद भी बोलोगे और लोगों को भी बताओगे पास्ट इज डेड, तो वो पास्ट जो है वो डेड हो गया। आप खुद भी बोलोगे और लोगों को भी बोलोगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऐसी मेमोरी फिट हो जाएगी कि पास्ट जो था बैड था वो ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दो, अब आप प्रेजेंट के अंदर जियो और फ्यूचर की प्लानिंग करो। तो मैं ये चाहूँगा आप इसको ज़रूर यूज़ करो और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, ज़रूर इसको यूज़ करो। फ्री की मेमोरी है ये, आपकी रेमेडी है, इसको यूज़ करो और इसके रिजल्ट लो आप।
बिल्कुल सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए, आपने देखा होगा कि ना हर एक इंसान की अलग अलग एनर्जीज होती है और कहते हैं ना संगत बहुत मैटर करती है. अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपका जो एक ऑरा है वो भी एक आपको ना, मतलब कहते हैं ना आटे के साथ गेहूं तो पिसता ही पिसता है, तो आपका जो ऑरा है वो भी आपको ना बहुत ज्यादा गंदा कर देगा. आपके जो आसपास लोग हैं वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, उनको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी. लोग कहेंगे कि ये जो ऑरा वाला इंसान है इससे दूर ही रहो तो बेटर है. तो अक्सर आपने देखा है कि कई बार ना कुछ ऐसे से हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं और ना ही हम उनके साथ मतलब कहते हैं धोखा कर सकते हैं. तो ऐसा सा एक मेरे पास बहुत अटपटा सा सवाल आया, मैं भी बहुत हैरान सी थी कि वो चाहते हैं कि उनका ऑरा क्लीन हो, क्योंकि आपने देखा कि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो खुद करेक्टर वाइज सही नहीं होते हैं बट जो हमारे साथ होते हैं उसका भी करेक्टर खराब हो जाता है जस्ट बिकॉज कि आप उसके साथ चल रहे हैं. तो लोग चाहते हैं कि उनका ऑरा क्लीन रहे, उनको आप दोस्ती तो वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोस्ती ऐसी चीज है कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहना पड़ता है. बट वो चाहते हैं कि वो उनका नेम खराब ना हो, उनका ऑरा खराब ना हो, उनका ऑरा क्लीन ही रहे. तो उनके लिए क्या नंबर हो सकता है ऑरा क्लीनिंग के लिए? सबसे पहली चीज मैं ये बताता हूँ कि ऑरा क्या होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ऑरा जो होता है, जैसे हम कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन है, उसका एक ऑरा होता है, उसके चारों तरफ एक राउंड रहता है जिसके अंदर उसकी सारी वाइब्रेशन जो है वो काम करती है. अगर आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होएगा तो आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं घुस सकती, कोई भी आपको मतलब जिसको बोलो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होएगी ना मेंटली प्रॉब्लम होएगी, जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होएगा. हम ऑरा चेक भी करते हैं, ऑरा बता भी सकते हैं कि आपका ऑरा कितने फिट तक है, कि आप यहाँ पे अगर बैठे हो तो आपका ऑरा कितने फिट तक आपका इम्प्रेशन रहेगा, पॉजिटिव आइदर नेगेटिव. ऑरा चेक करने का एक टूल होता है, हम उसको चेक भी करते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको भी हम चेक करते हैं, उसको डिटेक्ट करके वो बता देते हैं. आज यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि ऑरा क्लीनिंग कैसे होती है, आपके ऑरे के अंदर कोई भी बैड नेगेटिविटीज एंटर हो गई हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी थॉट्स को डिस्टर्ब कर रही है, या आपको बार बार हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका ऑरा जो है वो वीक हो जाता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो एंटर हो जाती हैं. तो ऑरे को क्लीन कैसे करना है, लेकिन इसको आप लोग को ऑलमोस्ट रूटीन में करते रहना चाहिए. आपका ऑरा हमेशा ही क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आपका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा रहता है अदर्स लोगों के ऊपर या हर बंदे के ऊपर. तो ऑरा क्लीनिंग के लिए आप एक नंबर नोट करो, 95 9 1 5 7 1 2 1. इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप इसको नोट कर लेना, 9 1 5 7 1 2 1. इसको ब्लू पेन के साथ लिखना है आपको और आप इसको चैंटिंग करते रहो. ये एक ऐसा नंबर है, आपका ऑरा हमेशा क्लीन होता रहेगा. जैसे हम सुबह बाथिंग करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, ऐसा ही आपके ऑरे को क्लीन करता है. आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहोगे, आपका ऑरा नीट एंड क्लीन रहेगा, आपकी वर्डिंग बड़ी अच्छी रहेगी, आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, मतलब आपकी चीज़ें जो है ना कनेक्टिंग रहेंगी और बड़ा अच्छा फीलिंग रहेगा. आप मैडम, आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक अच्छा चूज़ किया, मेरा दिल बहुत खुश है कि आपने ऐसी चीज़ों को चूज़ करा कि ये एक ह्यूमन के लिए हर रोज़ की एक डाइट होनी चाहिए, इसको हर रोज ये चीज़ें करनी चाहिए. इसको पार्ट ऑफ मेडिटेशन भी हम कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर डेली 40-50 मिनट ज़रूर इन चीज़ों के लिए कंज्यूम करें, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और आपकी लाइफ, आपका डेली, हर रोज़ आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा. यस डेफिनेटली सर, जिस तरीके से आज का जो हमारा एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कह लो आपके हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है. अगर आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में हिट कर रही है, आपको कोई ट्रबल दे रहा है कोई चीज़, तो आई थिंक वो जो ट्रिगरनेस है ना आपके माइंड में, उस चीज़ को आपको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि लाइफ ऐसी है कि लाइफ में आपको हर चीज़, हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, हर दिन एक आपके लिए न्यू है, हर दिन आपको ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो आपको कई बार ऐसा फील करवाएंगी सफोकेटेड सा कि अब आप उस चीज़ से निकल ही नहीं सकते. बट आई थिंक अगर आपके अंदर एक उम्मीद है, आपके अंदर एक
एक बिलीव है और एक फेथ है कि नहीं हमें इस चीज से फाइट करना, हमें इस चीज से बाहर आना, तो डेफिनेटली आप उस चीज में एक हीरो बन जाएंगे। आप अपने आप को एक कह लो सुपर मॉडल, सुपर हीरो का आप टैग दे सकते हैं खुद को अगर आप उस चीज से फाइट कर जाते हैं। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली आप कह लो एक वाइब्स के ऊपर था कि लोगों की अलग अलग वाइब हो जाती है अलग अलग सिनेरियोस के हिसाब से, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से। बट मेनली जो चीज़ हमारा मेन फोकस था वो था रेमेडीज के ऊपर कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम वो करें। और यहाँ पे बैठ के सर आई थिंक आपको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि लोग हमारे पास इतने कमेंट्स कर रहे हैं, लोग इतना मतलब एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमें इस चीज़ों में कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर एक वीडियो बना रहे हैं, रैंडम टॉपिक्स पर वीडियो बन रही है हमारी। अभी हम सीरीज़ को ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम ना इस चीज की सीरीज ही बनाते जा रहे हैं कि अगर कोई रैंडम टॉपिक है तो हम उसकी बीच में कितने टॉपिक्स डाल सकते हैं, कितनी चीजें डाल सकते हैं, हम वो डाल रहे हैं अपनी साइड से। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। बट आपको भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आपको नहीं पता लग रहा कि आपको लाइफ में क्या करना, तो डेफिनेटली आपको सर को कंसल्ट करना चाहिए, सर के पास आपको जाना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आई कैन लाइक बेट ऑन दिस थिंग कि आपको सर उस चीज़ का रिजल्ट दिखाएंगे और सर आपको उस चीज़ का जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देंगे और आपको समझाएंगे भी और आपकी जो कंसल्टेशन है वो भी करेंगे ही करेंगे। सो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी स्क्रीन नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उस फ्लैश पर दो नंबर्स डिस्प्ले हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करें और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके साथ ही आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। सो देर किस चीज की है, जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सर को कंसल्ट करें और सर के पास जाएं। ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको अलग अलग टॉपिक्स पर और डिस्कशंस करेंगे और आपके जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उस चीज को हम सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद।